नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में 28 नंबर प्रैक्टिस सेट है हमारे आज, और ये प्रैक्टिस सेट होगा राजस्थान का जीके और करंट अफेयर का। इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो अभी ऊपर आई बटन दिख रहा होगा आपको, तो उस पर क्लिक करके आप इस प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट अभी हमारे हिंदी के चल रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज है, और इसके पश्चात हम इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो बहुत सा कंटेंट आने वाला है हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी करने वालों के लिए। और इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट की एलडीसी के अलावा जो सीट का एग्ज़ाम भी देंगे, भले सीनियर सेकेंडरी लेवल का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर आप थर्ड ग्रेड रीट का जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है उस वो देने वाले हैं, या सेकेंड ग्रेड देने वाले हैं जिसमें राजस्थान जीके और करंट अफेयर का पोर्शन भी है, तो उनमें भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो शुरू करने से पहले, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के एमसीक्यू वीडियोस आते रहते हैं सभी विषयों के। तो आते हैं हमारे प्रश्न की ओर, बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है, ये कह रहा है। अब देखिए, फूल सागर है जो बूंदी में है तो ये तो सुमेलित है, पांडुपोल अलवर में है ये भी सुमेलित है, कीरड़ों का मंदिर जो कि झालावाड़ में नहीं है तो कहाँ पर है, ये है बाड़मेर में, कहाँ पर है, बाड़मेर में, और चंद्रमहल है जो कि है जयपुर में। तो जो सह विकल्प है वो यहाँ पर सही आंसर है, कीरड़ों मंदिर बाड़मेर है ना कि झालावाड़ में, सह विकल्प सही उत्तर होगा। अब अगला दो नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापना वर्ष सही सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में तो ये तो सही है, यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में ये भी सही है, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी संघ की स्थापना यहाँ पर 1923 दे रखा है जो कि यहाँ पर गलत है, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी, 1918 में। तो जो स विकल्प है वही हमारे यहाँ सही आंसर है। और अगला दे रखा है जो हमारे यहाँ अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी तो ये भी यहाँ पर सही है। तो जो गलत है वो है मारवाड़ हितकारिणी संघ, इसकी स्थापना 1923 में नहीं 1918 में हुई थी। कब हुई थी, 1918 में। और एक ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक था मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ध्यान रखिएगा मारवाड़ सेवा संघ है, मारवाड़ हितकारिणी से इसकी स्थापना तो 1918 में हुई थी, और मारवाड़ सेवा संघ इसकी स्थापना 1920 में जयनारायण व्यास के द्वारा हुई थी। तो जो स विकल्प है वो यहाँ सही आंसर है। अगला है अब तीन नंबर प्रश्न, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है, तो दुगारी किले की चित्रकला किस शैली से संबंधित है ये हमें पूछा है। तो दुगारी किले की जो शैली है वो कौन सी है, बूंदी शैली, कौन सी है, बूंदी शैली, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और दुगारी किला जो है वो कनक सागर झील के लिए प्रसिद्ध है, कनक सागर झील है इसके पास में, कनक सागर झील के लिए। तो ध्यान रखिएगा, पूछिएगा कि कनक सागर जो झील है वो किस किले के किनारे है, तो दुगारी किले के किनारे या कनक सागर झील के किनारे कौन सा किला है, वो है दुगारी किला, बूंदी शैली से ये संबंधित है, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला चार नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा लोक देवी या प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है। अब देखिए, पहला विकल्प दे रखा है कि ब्राह्मणी माता का मंदिर, तो ये सौरसन 12 में है तो ये तो सही है। यहाँ पर नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में, ये भी सही है, और आवरी माता का मंदिर दे रखा है चित्तौड़गढ़ में, आसावरा चित्तौड़गढ़, ये भी सही है। जिलाणी माता का मंदिर दे रखा है जसोल बाड़मेर में, तो ये असुमेलित है। यहाँ पर जिलाणी माता का मंदिर है बहरोड में, कहाँ पर है, बहरोड में, और बहरोड कहाँ पर है, अलवर में, कहाँ पर है, अलवर में। और इसके बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हर वर्ष दो मेलों का आयोजन होता है, कहाँ पर, बहरोड अलवर में, जिलाणी माता के मंदिर परिसर में। तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही है जो कि असंगत है। तो इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा या कि कौन सा असंगत है, या सुमेलित कीजिए, या अकथन युग्म की पहचान कीजिए, ये पैटर्न अभी नया चल रहा है दोस्तों, तो इस पैटर्न के आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे एग्जाम में। अगला है पाँच नंबर की, जोरावा लोकगीत का संबंध है, तो जोरावा लोकगीत का संबंध है किससे, जैसलमेर से, किससे है, जैसलमेर से।
तो इसमें क्या होता है कि पत्नी अपने पति के वियोग में, जब पति बाहर चला जाता है, विदेश चला जाता है, तो अपने पति के वियोग में ये गीत गाया जाता है पत्नी द्वारा, झोरावा लोकगीत। तो ये संबंधित है जैसलमेर से, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। छह नंबर है कि कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न दोस्तों। तो कपूरी देवी किसकी माता थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। किसकी थी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है अब सात नंबर प्रश्न कि दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अलग दरीबा। क्या? अलग दरीबा। आसान है ये तो, ब विकल्प सही उत्तर होगा। आठ नंबर है अब चिकनी कोतली है, तो चिकनी कोतली यहाँ पर क्या है? तो ये एक प्रकार की रस्म है, जो कि किस प्रकार की रस्म है? शादी की रस्म। तो शादी में भी ये कब होती है? जब दूल्हा पहली बार शादी के पश्चात अपने ससुराल जाता है, तो उसके साथ जब वो वापस आता है तो मिठाई या कुछ मीठा उसके साथ भेजा जाता है, जो कि चिकनी कोतली कहलाती है। क्या कहलाती है? चिकनी कोतली, क्योंकि वह घी का बना हुआ होता है, तो घी चिकना होता है, इसी कारण चिकनी कोतली यह कहलाती है। तो ये शादी की एक प्रकार की रस्म है। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। तो अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला है अब नौ नंबर प्रश्न, हूँ गोरी किरण पीवरी उपन्यास के रचयिता है। तो इस उपन्यास के रचयिता है यहाँ पर याग्वेंद्र शर्मा यानी चंद्र। ब विकल्प सही उत्तर है। अगला दस नंबर है, गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली की संज्ञा दी। तो भीली बोली किसको कहा गियर्सन ने? ये कहा वागड़ी बोली को। किस बोली को? वागड़ी बोली को। अ विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है अब ग्यारह नंबर प्रश्न कि सुधा प्रबंध किसने लिखी। तो सुधा प्रबंध किसने लिखी? सुधा प्रबंध लिखी गई दोस्तों किसके द्वारा? कुंभा द्वारा। किसके द्वारा? कुंभा द्वारा। और ये कला संस्कृति के मान संरक्षण थे महाराणा कुंभा, राणा कुंभा सभी जानते हैं हम। और इसके अलावा ये वीणा वादक भी थे। कौन? राणा कुंभा। और जो इनके अन्य ग्रंथ हैं वो है दोस्तों यहाँ पर संगीत राज। संगीत राज ये भी अगर पूछे किसने लिखी, तो राणा कुंभा ने। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा का पूछे तो संगीत मीमांसा भी लिखी गई कुंभा द्वारा। और संगीत रत्नाकार, संगीत रत्नाकार का भी पूछे, ध्यान रखिएगा संगीत रत्नाकार, तो ये भी कुंभा के द्वारा रत्नाकार है, रत्नाकार, तो ये भी कुंभा के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिएगा कुंभा, कुंभ नहीं यहाँ पर, कुंभा द्वारा। तो जो स विकल्प है वो सही उत्तर होगा। अगला बारह नंबर प्रश्न है, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म बनी गई किसने लिखी। तो दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनी है ये लिखी गई किसके द्वारा? विजयदान देथा द्वारा। किसके द्वारा? विजयदान देथा द्वारा। स विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर, आसान प्रश्न ये तो। तेरह नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्यागभूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। तो इसके संपादक थे हरिभा उपाध्याय। कौन थे? हरिभा उपाध्याय। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अब अगला है चौदह नंबर प्रश्न की जमनालाल और जमनादास और छोटेलाल बक्साराम नंदलाल का चित्रकला के किस शैली से संबंध है। बहुत ही शानदार प्रश्न ये दोस्तों। तो जमनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल, इनका संबंध है किस शैली से? अलवर चित्र शैली से। किस शैली से? अलवर चित्र शैली से। अविकल्प यहाँ पर सभी सही उत्तर है। ये सभी दोस्तों अलवर चित्र शैली के क्या है? चित्र है, जिन्हें चित्रकार भी कहते हैं। अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला पंद्रह नंबर है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब सात हजारी किस राजपूत शासक को दिया था। तो अकबर ने सर्वोच्च मनसब जो कि सात हजारी था ये दिया था राजा मान सिंह को। किसको प्रदान किया? राजा मान सिंह को। स विकल्प सही उत्तर है। अगला है 16 नंबर प्रश्न कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या चित्तौड़ में, या निम्बाहेड़ा में, या गोगुंदा में, या फिर बड़ी सादड़ी में? कहाँ पर हुआ? इसका सही उत्तर होगा गोगुंदा में। कहाँ पर हुआ राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का? गोगुंदा में। स विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। यह भी अच्छा प्रश्न। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? सुजानगढ़। सुजानगढ़ कहाँ पर है? चूरू में। सुजानगढ़ चूरू में है दानचंद चोपड़ा की हवेली। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 18 नंबर प्रश्न कि 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो जो मेव किसान आंदोलन है ये भी अच्छा प्रश्न है, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? डॉक्टर मोहम्मद हादी,
डॉक्टर मोहम्मद हादी की नेतृत्व में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ब विकल्प सही उत्तर है, कब प्रारंभ हुआ, 1932 में, सन यहाँ पर दे रखा है, तो सन को भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं। अगला है अब 19 नंबर के, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि थे, 22 ज्योतिष थे, 22 संगीतज्ञ भी थे, 22 विषय विशेषज्ञ थे, जिसे सम्मिलित रूप से गंधर्व 22 ही कहा जाता था, तो वो किस महाराजा के दरबार में विद्यमान थी, तो ये थी किसके दरबार में दोस्तों, महाराजा प्रताप सिंह या सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, गंधर्व 22 थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, आर जैसी बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है, तो द विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर, महाराजा प्रताप सिंह या सवाई प्रताप सिंह, सवाई भी दिखे तो भी ध्यान रखिएगा सवाई प्रताप सिंह, द विकल्प सही उत्तर। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद नहीं है, अति महत्वपूर्ण कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न, तो बताइए कौन सा तत्ववाद नहीं है यहाँ पर, तो जो सतारा है, ध्यान रखिएगा नाम पर मत जाइएगा, तार पीछे दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि तत्ववाद है, तो तत्ववाद ये नहीं है, सतारा यहाँ पर तत्ववाद नहीं है, सतारा सुशीरवाद है, कौन सा है, सुशीरवाद्य है ये, द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, अच्छा प्रश्न, मथई नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर, मथई नदी के तट पर, द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 22 नंबर प्रश्न, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो यहाँ पर राजस्थान का कौन सा स्थल जाना जाता है इलोजी की सवारी के लिए, तो बाड़मेर, बाड़मेर में इलोजी की सवारी निकाली जाती है, जिन्हें छेड़छाड़ का देवता भी दोस्तों कहते हैं इलोजी को, अगर प्रश्न आए, एक बार पूछा भी गया कि छेड़छाड़ का देवता किसे कहते हैं, लोक देवता इलोजी को, तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 23 नंबर प्रश्न है, मोठ ग्वार बाजरा किस प्रकार की फसलें, अच्छा प्रश्न, आसान है, बताइए किसकी है, खरीफ, रबी, जायद या फिर नकद, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर खरीफ की फसलें हैं, मोठ ग्वार और बाजरा, अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ वैदिक मंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया, तो अच्छा प्रश्न ये भी, तो बताइए कहाँ स्थापित किया गया था, जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर में, तो इसकी स्थापना 1880 में महर्षि दयानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ पर की गई, अजमेर में, वैदिक यंत्रालय छापाखाना, ध्यान रखिएगा वैदिक यंत्रालय कहाँ पर है, अजमेर में है, ना कि उदयपुर जयपुर में, लग रहा होगा आपको ये, लेकिन नहीं है ये सही उत्तर, सही उत्तर यहाँ पर अजमेर है, स विकल्प सही उत्तर। अगला है, अब अगला प्रश्न है, राजस्थान में सौर वैद्यशाला कहाँ स्थित है, कहाँ है सौर वैद्यशाला, बताइए जयपुर, अजमेर या जोधपुर या उदयपुर, तो ये कहाँ पर है, उदयपुर में, द विकल्प सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए सौर वैद्यशाला उदयपुर में, जयपुर लग रहा होगा लेकिन जयपुर यहाँ पर सही उत्तर नहीं है, उदयपुर। और 1975 में अहमदाबाद के वैद्यशाला ट्रस्ट के तहत अरविंद भटनागर ने फतेह सागर जो झील है कहाँ पर है, फतेह सागर, ध्यान रखिएगा ये भी पूछ सकता है, फतेह सागर झील के एक द्वीप पर स्थित है ये सौर वैद्यशाला, तो प्रश्न आए कि फतेह सौर वैद्यशाला है वो कौन सी झील पर स्थित है, तो वो है फतेह सागर झील पर स्थित, इसकी स्थापना 1975 में अरविंद भटनागर के द्वारा की गई थी, तो जो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 26 नंबर प्रश्न, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है, अच्छा प्रश्न, कहाँ पर है, नागौर में, सही उत्तर होगा। अगला है 27 नंबर, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, अब देखिए अच्छा प्रश्न है ये भी, तो कन्फ्यूज करने वाला है थोड़ा, अब बात करें विश्व की, तो ये देखिए विश्व का ये यहाँ पर ग्लोब, अब दिशाओं की बात करें तो ये हो गई उत्तर दिशा, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब भारत की सबसे पहले बात करें तो भारत की स्थिति यहाँ पर एशिया महाद्वीप में यहाँ पर है, आप सभी जानते हैं, तो राजस्थान भी तो यहीं पर होगा, राजस्थान भी यहीं पर होगा। अब देखिए बताइए तो राजस्थान की स्थिति कैसी है यहाँ पर, तो किस गोलार्ध में स्थित है राजस्थान, है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध है, ये उत्तर और ये पूर्वी, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध, तो ब विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अब भारत की दृष्टि से देखें अगर,
तो यहाँ पर जो गोलार्ध है वो विश्व में है, तो जो राजस्थान की स्थिति है वो विश्व में उत्तर पूर्व गोलार्ध है। भारत की दृष्टि से ध्यान रखिएगा, अगर देखिए ये भारत का जैसे ये मैप है, भारत की दृष्टि से बात करें तो भारत की राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है भारत में। अब इस दिशाओं को देखिए तो उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, तो बस देखिए राजस्थान यहाँ पर है ना, तो कौन से गोलार्ध में, उत्तर पश्चिम में। ध्यान रखिएगा भारत में राजस्थान कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में, और विश्व में कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में। तो जो सही उत्तर है वो है हमारे विकल्प ब, ब विकल्प सही होगा। अगला है 30 नंबर प्रश्न, पचपदरा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, तो पचपदरा कहाँ पर है बताइए, क्या होगा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, भरतपुर या चूरू। हाँ बिल्कुल सही, बाड़मेर में होगी, कहाँ पर होगी, बाड़मेर में, ब विकल्प सही उत्तर। अगला 29 नंबर है कि जावर की खान उदयपुर किस खनिज के लिए किया जाते हैं। अब ये अच्छा प्रश्न है, अब ऐसे पूछा जाता है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया कि जावर की खान कहाँ पर है, तो जावर की खान तो कहाँ पर है, उदयपुर में, लेकिन ये किस खनिज के लिए विख्यात है, तो सीसा जस्ता के लिए, किस खनिज के लिए, सीसा जस्ता के लिए, ब विकल्प, ब विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला 30 नंबर, राजस्थान का डेगाना बागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का डेगाना बागरी क्षेत्र किस खनिज के लिए है, टंगस्टन के लिए, कहाँ पर, टंगस्टन के लिए, और कहाँ पर है डेगाना बागरी, ये है नागौर में, पूछ सकते हैं नागौर में, भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर है नागौर में, द विकल्प सही उत्तर। अगला है अब 31 नंबर प्रश्न की दर्रा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो जो दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, अच्छा प्रश्न, ये भी कोटा में, कहाँ पर है, कोटा में, द विकल्प सही उत्तर, अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। अगला 32 नंबर प्रश्न है कि श्री सांवलिया जी का मंदिर स्थित है, ये भी शानदार प्रश्न, तो श्री सांवलिया जी का मंदिर कहाँ पर है, चित्तौड़ में, कहाँ पर होगा, चित्तौड़ में, उदयपुर यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं लेकिन कोई मतलब नहीं, वैसे हमें यहाँ पर है चित्तौड़ में, ब विकल्प सही होगा। अगला है अब कायलाना झील स्थित है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, तो कायलाना झील ये स्थित है कहाँ पर है, जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में, थोड़ा चर्चा का विषय भी है क्योंकि अभी वर्तमान में आपको पता होगा क्योंकि राजस्थान के जो राज्यपाल है कलराज मिश्र वो अभी जोधपुर के दौरे पर थे उस समय पहले, तो करंट की दृष्टि से पूछ सकते हैं कायलाना झील में भी, झील के भी ये गए थे यहाँ पर, ये कायलाना झील के दर्शनीय स्थल पर गए थे, तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में, तो ब विकल्प होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 34 नंबर, खानिया बावड़ी स्थित है, ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, तो जो खानिया बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, ये स्थित है जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में, और जो इस जयपुर के संस्थापक थे राजा जय सिंह, उनकी माता जी की याद में ये खानिया बावड़ी बनाई गई थी, अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 35 नंबर प्रश्न की लंगोरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध नृत्य है, आसान है ये तो, केला देवी का, किसका है, केला देवी का, बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन ए। अब 36 नंबर है कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना कब की गई, शानदार प्रश्न, बेहद ही शानदार प्रश्न दोस्तों, तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की स्थापना की गई थी 2013 में, कब की गई थी 2013 में, करंट की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि अभी हाल ही में 20 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी, जो डेट है इसकी वो है 20 सितंबर 2013 को ये स्थापित हुआ था, इस कारण चर्चा का विषय है, पूछ सकते हैं करंट की दृष्टि से भी दोस्तों 2013 में, इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो ये जो पर्सन होते हैं जो करंट के बाहर से भी पर्सन पूछ ले जाते हैं, जो डेट होती है उसको डेट को उठाकर करंट का पर्सन बना लिया जाता है, और हम सोचते हैं कि 2013 का पर्सन पूछा है, कितना पुराना पर्सन पूछ लिया, लेकिन ये करंट की दृष्टि का ही पर्सन होता है। तो आपने देखा होगा हर एग्जाम में इस प्रकार के पर्सन पूछे जाते हैं जो कि हमेशा गलत हो सकते हैं, तो ये चैनल इसी प्रकार के पर्सन लाता रहेगा जो कि विविध पर्सन होंगे, तो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो एग्जाम में आते हैं, और ऐसे प्रश्नों का संग्रह नहीं होगा दोस्तों ये कि केवल राजस्थान के आसान आसान प्रश्न बना लिए जाएं और वो आप आसानी से कर लो कि यहाँ, तो ऐसे प्रश्न करिए जो आपको नहीं आते हैं, और जो आपको आते हैं वो सभी को आते होंगे, इस कारण वो तो सभी करेंगे, लेकिन इस प्रकार के अगर प्रश्न आपको पूछ लिए भी जाएँ तो आपके गलत नहीं हो, इस प्रकार के प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करते रहिए, इसके लिए अड्डा एमसीक्यू जीके चैनल इस प्रकार के पर्सन लाता रहेगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब थोड़ी सी और बात करें यहाँ पर राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड की,
तो ध्यान रखिएगा RSPCL व, तो RSPCL RSPCL यानी राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। एक है दोस्तों गेल GAIL, ये भी आपने सुना होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये इनका दोनों का, किसका RSPCL और गेल का, इन दोनों का ये जो राजस्थान गैस राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है, इन दोनों का संयुक्त उद्यम है, यानी इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। 2013 में चर्चा में था क्योंकि 20 सितंबर को जो इसकी कहते हैं एनिवर्सरी आई थी, 20 सितंबर इसकी एनिवर्सरी आई थी। ध्यान रखिएगा, चर्चा का विषय पूछ सकते हैं, ब विकल्प सही है, तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लिया इस पर्सन में। चलिए आते हैं अब हमारे अगले पर्सन की ओर। अगला है 37 नंबर पर्सन। अब करंट के पर्सन आपके शुरू हो चुके हैं यहाँ से। तो धर्मेंद्र भल्ला को पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड दिया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो ध्यान रखिएगा, जो पहला डिजाइन इनोवेशन अवार्ड है ये नेशनल अवार्ड है। किसका है? नेशनल अवार्ड, इसलिए चर्चा का विषय। और पहला अवार्ड भी है, ध्यान रखिएगा, पहला अवार्ड है धर्मेंद्र भल्ला को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? धर्मेंद्र भल्ला को डिजाइन इनोवेशन अवार्ड, नेशनल अवार्ड है डिजाइन इनोवेशन अवार्ड। तो ये दिया जाता है दोस्तों, जो इन्होंने कार्य किया था धर्मेंद्र भल्ला ने, जो डिजाइन मुख्यतः कार्य करते हैं उनको ये प्रदान किया जाएगा अब। और पहला जो प्रदान किया गया वो धर्मेंद्र भल्ला को प्रदान किया गया, और इनको जो प्रदान किया गया वो प्रदान किया आईना फ्रेम पर्स और वर्किंग स्टिक स्टिक पर इन्होंने कलाकृति की थी, खूबसूरत जड़ई कारीगर का कार्य किया था। इस कारण इन्हें ये पहला अवार्ड जो कि डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड है ये प्रदान किया गया, और राष्ट्रपति जी द्वारा ये सम्मानित होंगे। और इन्हें ध्यान रखिएगा 6 लाख का इनाम मिलेगा। कितने? 6 लाख का इनाम, और साथ में 6 लाख का इनाम मिलेगा यहाँ पर, और साथ में प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा। तो जो सही उत्तर इनका संबंध है यहाँ पर जयपुर से, कहाँ से? जयपुर से। तो नाम याद रखिएगा धर्मेंद्र भल्ला, इनको पहला डिजाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और पहला भी है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 38 नंबर पर्सन है कि सितंबर 2022 में प्रदेश का पहला हस्तशिल्प बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? अब ये भी पहला है इसलिए चर्चा का विषय है थोड़ा। तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पर? अलवर में। कहाँ पर हुआ? अलवर में। अविकल्प सही उत्तर है। और रूडा द्वारा, किसके द्वारा? रूडा द्वारा, रूरल नॉन फॉर्म डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये इसकी है यहाँ पर फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा थोड़ा। अविकल्प सही उत्तर है, यहाँ पर पहला हस्तशिल्प बाजार का आयोजन कहाँ? अलवर में हुआ। अविकल्प सही उत्तर। अगला है 36 नंबर पर्सन, विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? उम्दा पर्सन, बेहद ही उम्दा पर्सन, शानदार पर्सन। तो ध्यान रखिएगा, ये विशेष योगीजन आयुक्त आपके द्वारा मिशन तहसील 392 इसकी शुरुआत हुई 27 सितंबर को। कब हुई? 27 सितंबर को, हाल ही में। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा, ये 7 संभागों में। कहाँ पर? 7 संभागों में ये आयोजित होगा। और यहाँ पर देर का नहीं है, 392 तहसीलें हैं। क्या है? तहसीलें, 392 तहसीलों में ये आयोजित होगा। और बीकानेर के जो नौका है, बीकानेर का नौका है, ध्यान रखिएगा, बीकानेर का नौका से इसका प्रारंभ किया गया, और जो कब किया गया? 27 सितंबर को। कब किया गया? 27 सितंबर को। तो अविकल्प होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि विशन योग्यजन आयुक्त है वो कौन है, इनका नाम भी याद रखिएगा, उमा शंकर शर्मा। तो विशेष योग्यजन आयुक्त है, ये भी पूछ सकते हैं, श्री उमा शंकर शर्मा है। अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। बीकानेर के नौका से इसका प्रारंभ हुआ था, 392 तहसीलों में प्रारंभ हुआ, 7 संभागों में। तो अविकल्प सही उत्तर। अगला 40 नंबर पर्सन हमारे के सितंबर 2022 में किस जिले से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ? शानदार पर्सन ये भी दोस्तों। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? बूंदी से। कहाँ से प्रारंभ, तो शुभारंभ किया गया राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का?
शुभारंभ हुआ बूंदी से, बूंदी के में भी जो हिंडौन सिटी है, हिंडौन से, कहाँ से, हिंडौन से। स विकल्प सही उत्तर। अगला है 41 नंबर, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा इंडियन हेरिटेज होटल्स का नोवा वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया जयपुर में, और जयपुर में भी बिशनगढ़ स्थित अलीला फोर्ट में, बिशनगढ़ में कहाँ अलीला फोर्ट है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया कलराज मिश्र द्वारा, राज्यपाल कलराज मिश्र। और नोवा ये वार्षिक सम्मेलन था इंडियन हेरिटेज होटल्स का, और इंडियन हेरिटेज होटल्स होती है वो आप जानते हैं कि जिन पर सरकार का अधिकरण होता है वो हेरिटेज होटल्स कहलाती है। तो अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 42 नंबर पर्सन है कि हाल ही में 14 से 27 नवंबर, तो ये कार्यक्रम अभी वर्तमान में दोस्तों चल रहा है, 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो क्या ये अभी चल रहा है 14 से 27 नवंबर तक इसका आयोजन होगा, और ये होगा 41वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, तो ये हो रहा है कहाँ पर, नई दिल्ली में, कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में। अविकल्प सही उत्तर है। अगला 43 नंबर पर्सन है कि पुनरुत्थान राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2023 किस विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पंचायत अवार्ड है, तो पंचायत अवार्ड किसके द्वारा, पंचायती राज विभाग के द्वारा ही प्रदान किए जाएंगे, तो जो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। ये किए जाएंगे दोस्तों अगले साल जब 24 अप्रैल को क्या आता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, क्या आता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, तो राष्ट्रीय पंचायत दिवस को 2023 में ये प्रदान किए जाएंगे, तो अप्रैल है, ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम भी जो होने वाला है फरवरी मार्च अप्रैल में, जिसका भी एग्ज़ाम होने, सीईटी तो सभी जानते हैं जनवरी में होगा, फरवरी में होगा आपके जो इसका थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो वो भी फरवरी में होने वाला है, और हाईकोर्ट की अभी डेट भी निश्चित नहीं है, वो भी मार्च में हो सकता है, कह रहे हैं कि मार्च में होगा, तो ये इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है यहाँ पर। तो पंचायती राज विभाग द्वारा पुनरुत्थान राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड 2023 राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे 2023 में, ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला है 44 नंबर पर्सन, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले अध्यक्ष बने, तो अच्छा पर्सन है, तो जो भी पहले अध्यक्ष ये बनते हैं तो उनको तो ज़रूर पूछा जाता है, तो जो पहले अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं राजीव अरोड़ा, कौन बने, राजीव अरोड़ा, अ विकल्प सही उत्तर। अगला 45 नंबर पर्सन है कि निम्नलिखित में से किसे रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, अच्छा पर्सन दोस्तों, शानदार पर्सन, तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो किया गया, एक तो देखिए कैरोलिन आर बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डल को, और के बेरी सरप्लेस को, तो एक दो और तीन इनको किया गया रसायन विज्ञान का नोबेल 2022, तो एक दो तीन है विकल्प अ में, विकल्प अ यहाँ पर सही उत्तर है। और स्वांते पाबो को भी ध्यान रखिएगा, इनको फिजियोलॉजी, किसमें, फिजियोलॉजी व मेडिसिन में इनको नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान हुआ स्वामते पाबो को, ध्यान रखिएगा, रसायन का भी ध्यान रखिएगा, इन तीनों को प्राप्त हुआ है, और अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 46 नंबर पर्सन, विंग्स ऑफ फायर इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की आत्मकथा है, शानदार पर्सन, पुस्तकों से एक ना एक पर्सन जरूर टपकेगा, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो जो ये आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है आत्मकथा, स विकल्प सही उत्तर। अगला 47 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये भी अच्छा पर्सन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, करंट की दृष्टि से भी पूछ सकते हैं आपको, 11 अक्टूबर को, कब मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, और जो 2022 की थीम थी, ध्यान रखिएगा, ओवर टाइम इज नाउ ओवर राइट्स, ओवर टाइम इज़ नाउ ओवर राइट्स, ये थी 2022 की थीम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, 11 अक्टूबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा एक महिला दिवस है उसको भी ध्यान रखिएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है, कब, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, तो जो सही उत्तर है वो है हमारे विकल्प अ। अगला 48 नंबर है कि हाल ही में गठित चीता टास्क फोर्स इनमें से किस उद्यान में चीता के परिचय
परिचय की निगरानी करेगी। तो ये करेगी दोस्तों कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, चर्चा का विषय भी है। और आप सभी जानते हैं कि नामीबिया से यहाँ चीते लाए गए, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था ये, इस कारण पूछ सकते हैं। तो कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ पर चीता टास्क फोर्स है, जो कि यहाँ पर निगरानी करेगी चीतों की, जो कि नामीबिया से लाए गए हाल ही में। ब विकल्प सही उत्तर है। और कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान पूछे कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ब विकल्प सही उत्तर। 49 नंबर पर्सन है बी समर सात अभ्यास या BSAMAR अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में किया गया। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। और यहाँ पर भारत, ब्राज़ील और जो दक्षिण अफ्रीका है, इनकी जो नौसेनाओं हैं, इनके बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास था। ध्यान रखिएगा, समुद्री अभ्यास था, बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास था ये, और भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका की संयुक्त नौसेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ ये पूछा है, तो जो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। और तीनों देशों को भी ध्यान रखिएगा, तीनों देश इस अभ्यास का हिस्सा थे। अगला है 50 नंबर और अंतिम प्रश्न आज का हमारा, कि हाल ही में किसके द्वारा एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। किसके द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ब विकल्प, ब विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद, ये थे आज के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, करंट की दृष्टि से भी अच्छे प्रश्न थे ये, इसमें राजस्थान के जीके के भी शानदार वाले प्रश्न थे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा जरूर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी प्रकार के वीडियोस, प्रश्नों के वीडियोस चैनल पर आते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो हमारे कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।